वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव अस जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी देयर ओरिएंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, तीन वेक्टर्स हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए कि उनका सम जीरो हो। तो आसान तरीके में ये है कि अगर आप इसे इमेजिन करना शुरू कर दो और एक बगैर किसी कंसिडरेशन के अच्छा मैं एक वेक्टर ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, इस तरह ये थर्ड वेक्टर हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये एक ये तो ए प्लस बी सी के बराबर आना चाहिए, तो ये जीरो नहीं बन रहा, ये जीरो कैसे प्रूव करेंगे। तो उसका आसान तरीका होता है कि आप कोई भी तीन वेक्टर लेके उससे क्या करोगे, एक क्लोज्ड फिगर बनाओ, ठीक है। तो उस जो क्लोज फिगर्स होगी उसका क्या होगा, सम जीरो हो जाए। वो क्लोज फिगर कैसे बनेंगी, बनेंगी इसी तरह की एक ट्राइंगल ही। तो फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह ले लो वेक्टर्स को, हमने ओरिएंटेशन बतानी है ना एक पर्टिकुलर कोई, फर्स्ट वेक्टर ए इस तरह, सेकंड क्या है इस तरह, और थर्ड क्या लेंगे हम इस तरह, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, माइनस सी, सी बोल लो माइनस सी बोल लो। अब होगा क्या, होना क्या चाहिए था, एक दो और तीन, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये ए वेक्टर हम असल में बनाना ये चाह रहे थे, ठीक है। तो बस उसको ओरिएंटेशन देने के लिए हमने माइनस सी कर लिया, ठीक है, ये क्लोज फिगर थी ना। अब उसका ये वाला जो सी वाला कंपोनेंट था उसकी डायरेक्शन हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। अब ये क्लोज फिगर से एक वेक्टर की फॉर्म बन गई हेड टू टेल रूल वाली। अब इसमें अगर हम यूज करें वही वेक्टर वाला अलजेब्रा, तो उसमें क्या बनेगा कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर कर ले तो सम क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो कि माइनस सी वेक्टर है, मीन्स माइनस सी यहाँ पे आके प्लस सी बन जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ओरिएंटेशन क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, द थ्री वेक्टर्स आर साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल।